मेरे आराध्य, मेरे प्रभु श्री सीताराम जी के भक्तों, आइए आज आपको आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की कथा सुनाते हैं। पद्म पुराण में वर्णित कथानुसार द्वापर युग की बात है। एक बार पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और हाथ जोड़कर पूछने लगे, हे जनार्दन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है? उस एकादशी के व्रत की कथा और महत्व मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। देवशयनी एकादशी को पद्मनाभा शयनी, प्रबोधनी एकादशी, महा एकादशी, थोली एकादशी तथा हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 माह बाद उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। पद्मा एकादशी के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महापुण्य प्राप्त होता है। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, मैं इस अद्भुत कथा को तुमसे कहता हूं जिसको श्री ब्रह्मा जी ने श्री नारद जी से कहा था। एक बार श्री नारद जी ने भी तुम्हारी ही तरह श्री ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि हे पूज्य पिता श्री, श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व मुझे समझा कर कहिए। नारद जी के प्रेम पूर्वक पूछने पर श्री ब्रह्मा जी मधुर वाणी में बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ प्रिय पुत्र नारद, तुम भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त हो और तुमने ये अच्छा प्रश्न किया है। लोक में इस व्रत के समान पवित्र कोई दूसरा व्रत नहीं है। संसार के सभी मनुष्य को अपने सभी पापों को दूर करने के लिए इस व्रत को यत्न पूर्वक करना चाहिए। ये एकादशी का व्रत पापों को नष्ट करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा एकादशी या देवशयनी एकादशी नाम से प्रसिद्ध है। श्री हरि विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए इस उत्तम व्रत को करना चाहिए। मैं तुमसे पुराणों की सुंदर कथा को कहता हूं जिसके श्रवण मात्र से ही महापाप नष्ट हो जाते हैं। सतयुग में महान सूर्य वंश में मानधाता नाम के अत्यंत प्रतापी राजा हुए हैं, जो सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रतापवान और चक्रवर्ती थे। उन्होंने अपनी प्रजा का अपने पुत्रों के समान धर्म पूर्वक पालन किया और उनके राज्य में कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे अकाल या बाढ़ इत्यादि कभी भी नहीं आते थे। उनकी प्रजा सदैव प्रसन्न रहती थी। उन मानधाता राजा के खजाने में अन्याय से प्राप्त किया गया धन बिल्कुल भी नहीं था। इसी धर्मपूर्ण शासन के कारण उनकी प्रजा आतंक रहित और धन धान्य से परिपूर्ण थी। इस प्रकार राजा मानधाता को राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। इसके बाद किसी अनजाने पाप कर्म के परिणाम से उनके राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इस अकाल से राज्य में चारों ओर त्राही त्राही मच गई। आखिरकार उस राजा की प्रजा भूख और पानी से परेशान होकर धीरे धीरे पूजा पाठ से दूर होने लगी और उन्होंने हवन, मंत्र जप और भी सभी वेद वर्णित कार्य भी त्यागने शुरू कर दिए। तब राजा के गुरुजी ने राजा के पास आकर उन्हें प्रजा की सभी परेशानी बताई और बोले, हे राजन, प्रजा के हित में आप मेरे वचनों को सुनिए। विद्वानों ने पुराणों में जल को नारायण कहा है। मेघ रूपी भगवान सदा सर्वव्यापी हैं और वही वर्षा करते हैं। वर्षा से ही अन्न होता है और अन्न से ही प्रजा का पालन होता है। हे राजन,
अन्न के अभाव से प्रजा दुखी होती है और प्रजा के दुखी होने से राज्य अंत को प्राप्त होता है। हे नृपश्रेष्ठ, आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कल्याण हो। राजा मानधाता बोले, गुरुदेव, आपने सत्य कहा। सचमुच अन्न को ब्रह्ममय कहा गया है, क्योंकि सब अन्न में ही स्थित है। अन्न से ही प्राणियों का उत्थान होता है। सब विस्तृत पुराणों में ऐसा ही लिखा है कि राजाओं के अपराध से प्रजा को पीड़ा होती है। आपके आशीर्वाद से मैंने कभी भी वेदों की मर्यादा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया है, और बुद्धि से विचार करने पर भी मैं अपने किसी दोष को नहीं देख पा रहा हूं। तो भी प्रजा के हित के लिए मैं इस वर्षा ना होने के कारण को जानने और उसे दूर करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। अपनी प्रजा के हित का विचार करके उस राजा ने श्री हरि विष्णु को नमस्कार किया और अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर वो अपने विश्वास पात्र मंत्रियों के साथ घने वन को चला गया और वहां मुख्य मुख्य मुनियों के आश्रमों को गया। इसके बाद राजा ने श्री ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिन्होंने अपने तेज से दिशाओं को प्रकाशमान किया हुआ था। अंगिरा ऋषि को देखकर राजा ने दंडवत होकर ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। प्रसन्न होकर ऋषि ने स्वस्थ वाचन पूर्वक राजा को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात अंगिरा ऋषि ने राजा से वन में आने का कारण पूछा। तब राजा बोले, हे भगवन, मेरे धर्म विधि से राज्य करते हुए भी पिछले 3 वर्ष से अकाल पड़ रहा है, और प्रभु, मैं इसका कारण भी नहीं जानता हूं। इस संशय को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। आप अपने दिव्य योग ज्ञान से मेरी प्रजा का कल्याण कीजिए। ऋषि अंगिरा बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य वेदों को पढ़ते हैं और इसमें धर्म के 4 चरण हैं। सतयुग में तप करने का अधिकार सभी को प्राप्त है, परंतु केवल शास्त्र विधि से ही आप तप या अन्य पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं। परंतु हे राजन, आपके राज्य में एक दुष्ट व्यक्ति जानबूझकर घोर शास्त्र विरुद्ध तरीके से निरंतर तप और हवन करता रहता है। प्रतिदिन देवताओं को दिव्य मंत्रों की आहुति के साथ राक्षसों की भांति मांस और रुधिर की भी आहुति देता है। उसके इस अनुचित कार्य के करने से देवता नाराज हो गए हैं और आपके राज्य में वर्षा नहीं होती है। उसके इस पाप कर्म, राज्य, धर्म और शास्त्र विरुद्ध कार्य के लिए उसे मृत्यु दंड देना ही उचित होगा। इसीलिए हे राजन, आप उस दुष्ट को मारने का आदेश अपने सैनिकों को दीजिए, जिससे उसके द्वारा किया जा रहा वेद विरुद्ध कार्य बंद हो सके और उसके द्वारा किए गए दोष शांत हो जाए। राजा बोले, हे ऋषिवर, मैं तप करते हुए किसी भी व्यक्ति को नहीं मारूंगा। वो चाहे किसी भी अवस्था में हो, लेकिन ले तो प्रभु का नाम ही रहा है। मैं उसके तप को भंग करने का ये दोष स्वीकार नहीं कर सकता हूं। अतः धर्म का कोई ऐसा उपदेश कीजिए जिससे उसके द्वारा किए जा रहे उपद्रव का नाश हो। ऋषि अंगिरा राजा की इस भक्तिपूर्ण बात पर प्रसन्न होते हुए बोले, हे राजन, यदि ऐसा है तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की एकादशी होती है, आप उसका व्रत करो। उसके दिव्य और अलौकिक प्रभाव से निश्चय ही अच्छी वर्षा होगी। यह एकादशी सब सिद्धियों को देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, आप अपने कुटुंब और प्रजा के सहित इसका व्रत करो। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को चला गया। इसके बाद आषाढ़ मास के आने पर राजा ने अपनी सभी प्रजा और बंधु बांधवों के साथ पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस उत्तम व्रत के प्रभाव से श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से मेघों ने वर्षा की। धर्मात्मा राजा का संपूर्ण राज्य जल से युक्त होकर धन धान्य से संपन्न हो गया और ऋषिकेश भगवान की कृपा से सारी प्रजा सुखी हो गई। श्री ब्रह्मा जी की मधुर वाणी में पद्मा एकादशी या देवशयनी एकादशी की कथा सुनकर श्री नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और नारायण नारायण जपते हुए वहां से अपने धाम चले गए। इस प्रकार
संपूर्ण वृतांत बताने के बाद श्री श्याम सुंदर जी बोले, हे युधिष्ठिर, यह व्रत मनुष्य को अच्छे भाग्य और मोक्ष को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदा देवशयनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार पद्मा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और नियमानुसार एकादशी का व्रत करने लगे। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्तवत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहे। जय श्री राम। जय जय श्री राम।